हिंद। 26 जुलाई 2021 के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने कौन सी समाचार पत्र को वरीयता देके देखते हैं बारी बारी से। जांच की मांग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार या तो पेगासस जासूसी मामले की JPC के जरिए जांच कराए, सुप्रीम कोर्ट से किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध करे। उलंदेवी के शहादत दिवस से शामिल होने पहुंचे थे मंत्री मुकेश सहनी को बनारस में रोका गर्व। ओलंपिक में भारतीय बेटियों का जलवा जारी। PV सिंधु बैडमिंटन, 28 मिनट में इसराइल की सनीवा पोलिकारोवा को आसानी से 21-7, 21-10 से हरा दिया। MC मैरी कॉम मुक्केबाजी, 38 वर्षीय मैरी कॉम डोमिनिक रिपब्लिक की मिगवेलिना हर्नांडोज को 4-1 से मात दी। और मनिका बन्ना टेबल टेनिस पदक और दावेदार मनिका ने यूक्रेन की खिलाड़ी पेसुत्सका मार्गरेटा को कड़ी मुकाबले 4-3 से हराया। निशाना शूटर मनु भाकर का सपना पिस्टल ने तोड़ा और आज तीरंदाजी टेबल टेनिस व हॉकी समेत कई मुकाबले। विधानमंडल का 17-7 विधेयक पेश होंगे और INS विक्रांत की चीन सीमा पर होगी तैनात। मुख्यमंत्री ने गंगा उधा योजना का दिया जायजा। शादी के लिए बुलाए गए युवक की पीट कर हत्या और विभाग की आंख में धूल झोंक कर करोड़ों के व्यापार करने वाले 8 लोग जिले में किए गए चिन्हित। फेम फर्म के नाम पर 3.53 करोड़ का कागज पर व्यापार और GST रिटर्न नहीं दाखिल करने पर हुआ विभाग सख्त। आग लगने से 2 दुकानें जलकर राख और जहरीली पदार्थ खाने से युवक की मौत। दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मार डाला और चकिया में सड़क हादसे में घायल महंत की हत्या। आज का दिन 2016 में सोलर इंपल्स 2 पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला सौर ऊर्जा चालित विमान बना। श्रमदान से टूटे 200 फीट बांध को बांधा और जिले में वायरल बुखार के मरीज बढ़े। पताही में लोगों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है कफ सिरप। शादी को झांसा देकर युवती को भगाया और महिलाओं को कुचलने वाला स्कॉर्पियो बरामद। वायरल रोग से बचने को पिए हल्दी वाला दूध और भैंस नहलाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। किसानों की सेवा में KVK समर्पित बेशी और सावन के पहले दिन सोमेश्वरनाथ महादेव का आंगन सुनहरा। चेयरमैन के इस्तीफा के साथ ही कमेटी भंग। सदर अस्पताल में लगेंगे 2 ऑक्सीजन प्लांट और राज्य में अपराध और अफसरशाही चरम पर। उप मुख्यमंत्री ने सेमरा में बायो फ्यूल आउटलेट का किया उद्घाटन। बाईपास से अज्ञात युवती का शव बरामद और मारपीट का आरोपी भेजा गया जेल। नशीली दवा के साथ धराया मोती झील से हटाया जलकुंभी DM। आज का दिन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी हारी। लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री चुने गए। LND कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेमिनार और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 4 कक्षाओं के लिए टर्म वाइज सिलेबस बनाया गया जो बिल्कुल है नया है। CBSE 12वीं तक 2 टर्म में सिलेबस ही नहीं अंक भी बटा। सभी स्कूलों में बाल प्रहरी का होगा गठन और 2% आवास भत्ता बढ़ोतरी कर भुगतान की कवायद। हथकरघा संस्कृति के साथ स्वदेशी ज्ञान को जानेंगे बच्चे और 82 स्कूलों में करोड़ों की अनियमितता जांच शुरू। कोरोना संक्रमित को अगर खांसी है तो उनकी TV की भी जांच कर आया निर्देश और कुपोषित बच्चों की होगी जांच। नाबालिग लड़की का अपहरण, ग्रिल खाट लाखों की चोरी और मनाया जाएगा अखंड भारत दिवस। शराब के अड्डों पर छापा, भट्टी ध्वस्त। और आज का दिन 2009 में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पेश की। मानसून सत्र, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को सरकार ने कसी कमर और बिहार अपनी कृषि निर्यात नीति लाएगा। चौकीदार व होमगार्ड नहीं करवा सकेंगे पोस्टमार्टम और अपनी इच्छा से धन परिवर्तन करना गुनाह नहीं उपेंद्र। सियासी लाभ के लिए विभेद फैलाना उचित नहीं राजीव। हाजीपुर मुजफ्फरपुर फोरलेन के जमीन अधिग्रहण मामले का होगा स्पीडी ट्रायल और 6 दशक पहले शुरू हुई दुर्गावती जलाशय योजना नहीं हुई पूरी। सुबह 15 दिसंबर से नहीं होगा एकल प्रयोग प्लास्टिक का प्रयोग और चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नहीं होगी तैनाती। जवानों की तैनाती हर 6 महीने में बदलेगी और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध में त्वरित अनुसंधान करें। सरकारी अस्पतालों से हटेगा कवार मंगल और ट्रक ने पति पत्नी को कुचला मौत। बघा में स्कॉर्पियो से कुचला व्यवसायी की मौत और नवादा में जहरीली शराब से हुई थी 15 लोगों की मौत। सरकार गिराने के लिए महाराष्ट्र के विधायकों से हुई थी 1 करोड़ की डील और शहर से लेकर एयरपोर्ट तक रही गहमागहम। यह हथियार डालने का वक्त नहीं। आज रोजगार, महंगाई और कारोबार के दर्द को महसूस करें तो शक होता है कि आर्थिक उदारीकरण से मिली उपलब्धि कोई फसाना तो नहीं। रजत से शुरुआत,
मीराबाई चानू ने बर्तोलन में रजत जीता है और उनका नाम भारतीय खेल पटल पर हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। बढ़ते साइबर हमलों के बीच सीखने की जद्दोजहद और श्रावण सरकार और राजनेता, खत्म होगी एक नदी, गर्व के विषय मेरा शांति तुम्हें मिला, खुशी की चुटकी, सच्चे और शुभचिंतक लोग सितारों के समान होते हुए लगातार चमकते रहते हैं, पर अक्सर हम उन्हें तभी देख पाते हैं जब जीवन में दुख के अंधेरा से सामना होता है। हमारी मनसी का अच्छा होना बेहद जरूरी है। हमारी मानवीयता की बेहतरी के कई रास्ते अच्छे मन से ही सब होकर गुजरते हैं। अच्छा इंसान होने की कोई एक परिभाषा होना मुश्किल है, पर कुछ बातें हैं जिनको होना बेहतर इंसान बनने की मदद करता है। गलतियाँ जो बढ़ा देती है उदासी, हमारी उदासियों का कोई एक कारण नहीं होता। जिन बातों का होना हमें खुशी देता है, उन्हीं का ना होना हमें दुखी कर देता है। बेहतर इंसान बनने के सूत्र, और आज का राशिफल में वृष परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार का साथ मिलेगा, कारोबार का विस्तार होगा। आज का दिन 1963 में नासा ने पृथ्वी के कक्षांश के समानांतर चक्कर लगाने वाले दुनिया का पहला जियोसिंक्रोनस उपग्रह सिनकॉम 2 लॉन्च किया। दीपावली तक सोना दे सकता है मोटा मुनाफा। तिमाही नतीजे तय होगी बाजारों की दिशा। बैंकरों में पूरी का वेतन सबसे ज़्यादा और इंड 30,000 करोड़ जुटाएगा। ओलंपिक मैरीकॉम सिंधु शान से बढ़ी। टोक्यो ओलंपिक में पहले दिन मीराबाई चानू ने पदक खाता खोला तो दूसरे दिन भारत के अन्य बेटियों ने जीत के साथ अपना अभियान का आगाज किया। पदक के दावेदार मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम के साथ ही बैडमिंटन पीवी सिंधु और टेबल टेनिस में मनिका बन्ना अपने मुकाबले जीते। सिंधु के आगे नहीं टिक सकी सेनिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 7-1 से धो डाला। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से आगाज करने वाले भारतीय पुरुष हॉकी को बेजान आक्रमण और ढीले रक्षण के कारण ओलंपिक ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में रविवार को मजबूत ऑस्ट्रेलिया से 1-7 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अगला मैच 27 जून को स्पेन के खिलाफ खेलेगा। पहले हाफ में ही बड़ी बढ़त, चुक करता गया भारत। संघर्ष के बाद मनिका तीसरे दौर में। ओलंपिक के टेबल टेनिस प्रतियोगिता रविवार का दिन भारत के लिए मिश्रित सफलता वाला रहा, जहां मनिका ने पहले दो गेम पिछड़ने के बाद वापसी करके महिला एकल के तीसरे दौर में जगह बनाई। मनु पिस्टल में खराबी से चूकी यशस्विनी के निशाने भी भटके। भारत के सबसे बड़ी पदक उम्मीद बनाए जा रहे निशानेबाज का खराब प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। मनुभाव पिस्टल में तकनीकी खराबी के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। उनके साथ ही यशस्विनी सिंह देशाल भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। टोक्यो में भी दिखेगा इस गोल्डन जोड़ी का जलवा और निराशाजनक रहा पृथ्वी का पदार्पण। भारत के साथ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच सीरीज के पहले मैच रविवार को श्रीलंका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसमें भारत ने पृथ्वी शॉ चक्रवर्ती का पदार्पण का मौका दिया, हालांकि पृथ्वी फायदा नहीं उठा सके और पहले ही गेंद पर विकेट कीपर को उनके कैच आउट करा दिया। संजू सिंह दूसरे स्थान पर, बल्लेबाज कप्तान शिखर धवन के साथ पारी संभाला और समय लिखे जाने तक 20 ओवर में 164 रन बनाए। सूर्य कुमार 50, शिखर धवन 40, ईशान किशन 20 रन का योगदान दिया। बॉलीवुड पर शरणार्थी टीम की कीमिया चैंपियन को पीटा और मैदानी के महारथी कोरोना को भारत मात दे चैंपियन शूटर बने फरोगे। आज का दिन वर्ष 2000 में कैलिफोर्निया ने खाद्य सामग्री में हृदय रोग का खतरा बढ़ाने वाले ट्रांस फैट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की घोषणा की। राजकुंद्रा के अपने कर्मचारियों ने मुश्किलें बढ़ाई और महिलाओं की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी। देश के विकास को एकजुट हो, मोदी अदालत की निगरानी में फोन हैंकिंग की जांच हो। पुराने आधार पर दूसरा गैस कनेक्शन और सुरक्षा, 5-4 रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगेंगे। कोर्ट ने ED से राज्य सांसद की गिरफ्तारी का आधार पूछा और राज्यों के पास टीके के 3.29 करोड़ खुराक। सियासत, कर्नाटक और राजस्थान में उठा पटक। संसद की कार्यसूची में 6 आम विधेयक सूचीबद्ध। कोरोना के नए मामले में इंडोनेशिया की दुनिया को पछाड़ा। और आज का दिन 1908 में अमेरिका के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जामिनर ने गठन का आदेश दिया। राष्ट्रपति कोविंद ने कार्यकाल के 4 साल पूरे किए और महाराष्ट्र में जल प्रलय अब तक 113 की मौत। चलते चलते आज का दिन 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने सैन्य बलों के धार्मिक और नस्ली भेदभाव को अवैध करार देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। युवावस्था में बढ़ रहा डिमेंशिया का जोखिम और जन्म से ही उड़ने में माहिर थे पीटे रोसौरस। बेडरूम होता है हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर। अंतरिक्ष थीम पर गेम लगाएगा इसरो। आज बस इतना ही। जय हिंद।